सो ये इंजन का निशान है, ये अभी भी आ रहा है, ये जाएगा नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है। ओ भाई तो यहाँ से एक निंजा 1000 भी हमें ज्वाइन कर रही है, फ्रैंक भाई है। क्या पूछ आ रहा है क्लच वायर चेंज कराने के बाद, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो भाई साहब एयर फिल्टर भी क्लीन हो गया और क्लच वायर भी चेंज हो गया है, ऐसा बाइक पूछ दे रही है ना। सो फिलहाल अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एक भाई का जो कि इनके पीछे आने वाले हैं पिलियन बन के। कैसी लग रही है एक्सपल्स की सवारी? कंफर्टेबल है भाई काफी। कम इतने पैसों में आप इतनी की वैल्यू है ना उसमें, बहुत वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल होती है। अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकल बहुत है। आप ये देखो ना कि 220 इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है, बैली पैन दे रखा है इसके अंदर, मतलब बैशवेड दे रखी है स्टॉक के अंदर में, वो जिससे मतलब जितनी मर्जी ऑफ रोडिंग कर लो। अभी आपने देखा मैं यहाँ पे चढ़ा हुआ, यहीं से उतार दी, उतार लो चढ़ा लो कहीं जहाँ, मतलब ये बाइक मेरी एज अ लर्निंग बाइक होगी ऑफ रोडिंग के लिए। अच्छा, कच्चे में लेके उतर जाओ। स्किल्स है ना, 20-30 की स्पीड में चलाओ ऑफ पे, रोड डैमेज है, खड़े होके बाइक चला लो, पूरा आपके हाथ में ना कंफर्ट जोन में बाइक चलेगी, आपको लगेगा नहीं कि बाइक आउट जा रही है आपसे। मतलब लर्निंग के लिए, ऑफ रोडिंग लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया बाइक। और बहुत सर इसके अंदर इतना अच्छा है कि मतलब हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, मतलब यहाँ जो आपकी एल्बो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं होगा उससे, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेट आ रही है, मतलब अर्गोनॉमिक बाइक है, बहुत अच्छे हैं इसके, मजा आता है। और सीट इसका ये तो देखो यार, इसकी कुशनिंग देखो, चेंज करी है मैंने, क्यों मैं एक्स्ट्रा पैडिंग करी है। अब आप जब टूरिंग के लिए रखोगे कोई भी बाइक, अगर आपकी टूरिंग के लिए है तो डेफिनेटली हर किसी का वेट अलग है, वेट अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना सीट थोड़ी सी बनानी पड़ती है। मैंने हर बाइक की रखी है, सिर्फ 900 को छोड़कर सारी बाइकों की मैं पैडिंग हमेशा चेंज करता हूं। तो उसमें मैंने सिंगल कुशनिंग और डबल पैड के साथ, मतलब जो स्लिम वाले स्पॉन्ज होते हैं वो डबल, और एक कुशनिंग जो आपकी थोड़ी अच्छा मटेरियल होता है वो, और उसके बाद कवर कर दिया इसको। अब सीट बहुत बेटर है, मतलब बैठ के देखोगे ऐसा लग रहा है सोफे की सीट पे बैठे हैं। मतलब नाउ आई कैन से कि मैं इस बाइक को थोड़ा लंबा लेके जा सकता हूँ, लेके जा सकते हैं आराम से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर कोई ये पूछता है कितना देती है। कितना देती है? अभी जब मैंने बाइक ली तो मैंने इसका फुल टैंक करवा लिया था डे वन पे ही, लमसम 4 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने टॉप अप करा था। 40 लीटर का फ्यूल टैंक है, पूरा नेक टू नेक मैंने फुल टैंक करा, और 420 किलोमीटर पे जाके मैंने इसका दोबारा रिफ्यूल करा कि एक बार मेरे को क्रेविंग हो रही थी कि कितना देरी होगी। तो फ्यूल था उस टाइम पे काफी, 9 लीटर फ्यूल आया है, रफ कैलकुलेशन निकालोगे तो 47 प्लस की फिगर आ रही है, 47 रनिंग पीरियड है, सर्विस हो जाएगी आई गेस, थोड़ा और बेटर हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। आई कैन एक्सपेक्ट कि 50-51 तक की फिगर निकालती है, तो और क्या चाहिए, बेस्ट है यार, क्या चाहिए। 1 लीटर का टैंक है यार, एनी डे 500 किलोमीटर आप कर ही लोगे, और इंडिया की लोकेशन यहाँ पे 500 किलोमीटर के गैप में आपको एक फ्यूल पंप ना मिले, आराम से आराम से लद्दाख कर लोगे, आराम से लद्दाख से लेह से आप मनाली आ जाओगे आराम से। मन था कि मैं हिमालयन बाइक लेता, हिमालयन को जिस हिसाब से प्रेजेंट करा गया था मैं उस बाइक के लिए सोल्ड आउट था टोटली, बट जब बाइक आई उसका फीडबैक आया बहुत, अब आप जानते हो सारा मैं बोलूं। वैसे मुझे ही पता है कि मेरा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा, मैं खुश हूं, मैं भी लेने वाला था उसे, लेकिन अच्छा करा नहीं लिया, दुश्मन को भी रिकमेंड। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, और यहाँ हो रहा है पीछे वो मेला, ये तालाब की हालत दिखाओ। हाँ, ये तालाब की हालत, टायर डाला हुआ है इसके अंदर, टायर डाला हुआ है, और नहाने की इच्छा तो नहीं आपकी? नहीं, बाइक धो लो, यहाँ धो लो बाइक। तो देखते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़, क्योंकि यहाँ पर खाना जो है मैं एक आध दिन पहले आया था, बहुत बातिंग के लिए जा रहा बंदा। हाँ, अभी भाई ज्यादा ज्यादा बचा उसमें, सब कंटेंट है, डाल देना, डाल देना। सो ये सरस मेला चल रहा है, ये 10 से 23 अक्टूबर तक चल रहा है, और खाने का क्या गजब है। मैं ऐसे काफी सारा सामान जो है, मैं ऐसे काफी सारा सामान लेकर भी गया था, जैसे अचार वचार और चटनी वटनी, एक आध दिन पहले आया था, तो मैंने सौभाग्य भाई से बात करी कि भाई चलो बहुत गजब है खाने का, तो अब आपको यहाँ का खाना दिखाते हैं। तो हमारा कट चुका है अभी पोपट, हेलमेट अंदर अलाउड नहीं है, और इस हेलमेट को हम ऐसे कहीं बाहर छोड़ भी नहीं सकते हैं, बाइक पे लगा सकते थे लेकिन बाइक पे लगाने के लिए लॉक नहीं है, और अगर टैंक में लगा के छोड़ दें
कोई फीता काट के ले जाए या वैसे हेलमेट पे ले जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारा पोपट कटा था वो अभी बच गया है, हेलमेट का जुगाड़ हो गया है। ये देखो इसमें 5 हेलमेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से 1, 2, 3 एम्प्टी, 3 एम्प्टी के, 1 AGV का और 1 LS2 का, मोटा मोटा 50,000 बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो सब आगे भाई कुछ कह रहे थे आप, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इतना अच्छे तरीके से कर रखा है, ठीक है, हेलमेट ना पहनो 5,000-10,000 रुपए का चलान कटता है, और वही हेलमेट को अंदर अलाउड नहीं कर रहा था, अलाउड नहीं है, तो फिर क्यों मतलब क्यों ऐसा शो ऑफ कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हैं कि आप हेलमेट कहीं भी छोड़ के आओ हमें नहीं पता, हेलमेट अंदर वो नहीं है, मतलब बाइकर्स नॉट अलाउड, बाइकर्स क्या फायदा फिर, बाइकर्स नॉट अलाउड, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बाइकर्स अलाउड ना हो, मतलब हालत देखो के ऊपर फूल उगते हैं, मेरी मेरी बाइक के ऊपर हेलमेट उग गया, मेरी नैना की हालत देखो, चले पता चले एंट्री भी ना मिले, बंद हो जाए, चलो 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 अब चलते हैं फटाफट से। फाइनली अभी हमारी एंट्री हो गई है इसमें, वो गेट भी बंद होने वाला था, बाकी सब ठीक है, बस इतनी ब्रेक करूंगा हेलमेट वापस मिल जाए, हेलमेट वापस मिल जाए, बाइक पे पंचर लगा धक्का मार लेंगे हम, घर तक मार लेंगे, हेलमेट मिल जाए बस हमको वापस, भाई साहब हेलमेट नहीं जाने चाहिए, बड़ा मतलब दिल से लिया था, पहला दिन है आज पहना है उसने। आप ऐसे क्यों अज्यूम करो कि आपका हेलमेट चला गया? मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि एक बंदा ना पीछे खड़े होकर के बार बार देख रहा था, फीलिंग्स ले रहा हूँ, मतलब पूरी वाली कि हेलमेट चला गया मेरा, रेडी रहना चाहिए हर चीज के लिए, इंश्योरेंस कराया है हमने ना। तो ये चल रहा है सारा का मेला, यहाँ पर सब शॉपिंग का है, यहाँ पर भी सारा शॉपिंग का है, और आगे है फूड कोर्ट, तो हमारा मेन काम जो है वो फूड कोर्ट का है, मजेदार। तो यहाँ पर सिस्टम यह है, कूपन लेना है पहले, और जितने भी सारे वो सारे काउंटर्स लग रखे हैं, तो एक ही उसी कूपन से आप सब काउंटर में जाकर के शॉपिंग कर सकते हो, मतलब खाना ले सकते हो और उसे परचेस कर सकते हो। अगर बाय चांस आप, जैसे हमने 1500 के कूपन ले रहे हैं, अगर हमारा कूपन बच जाता है तो हम वापस आकर के यहाँ दे देंगे और वो सब रिफंड हो जाता है। फिलहाल अभी मैं केरल वाले फूड स्टॉल पे हूँ, केरल नाम है, केरल अत्ता पड्डी करके है कुछ नाम, तो यहाँ पर एक वना सुंदरी करके कुछ चिकन का आइटम है, ये रोस्टेड आइटम वो ले रहे हैं, डोसे के साथ है, डोसा और चटनी के साथ, लेट्स सी क्या होता है। ये देखो प्लास्टिक बैन हो गए इस कारण से, यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ भी आइटम नहीं है, जो प्लेट्स हैं ये लकड़ी वाली प्लेट्स हैं, प्लेट चम्मच कटोरी सारा लकड़ी का आइटम है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो फिलहाल हम लोगों ने सारा जो खाना ले लिया है, तो खाने का आइटम में एक, ये सब आपने खाना है ये सब आपके लिए ये मेरे लिए नहीं, देखो ये चिकन कौरमा, वसंत सुंदरी, लच्छा पराठा, बिरयानी, बिरयानी, फिश फ्राइड और चिकन मोमोज, तो ये 5 लोगों के लिए सारा का सारा खाना लिया है, आप देखते हैं कितना खा पाते हैं। नहीं नहीं आप एक तो 5 लोग राइड करनी ना, लंबा टूर मारना है, खा गया हूँ। तो सबसे पहले
पहले शुरू करते हैं मोमोज से, कुछ ठंड कच्चे नहीं ठंडे हो गए ठंडे हो गए। स्टफिंग जो है वो बहुत ही प्यारे तरीके से भरी हुई है और उसमें हल्का हल्का प्याज का फ्लेवर, मोमोज बहुत टेस्टी है, स्टफिंग बहुत अच्छी है, स्पाइसी है, उसके साथ शेजवान सॉस है वो बहुत अल्टीमेट है, 5 out of 5। ये बताओ पहले ये कैसा हो रहा है? मैं टेस्ट करूंगा क्या? भाई बताएंगे टेस्ट करके। तो अब ये टेस्ट करेंगे जो केरल अट्टापट्टी का अट्टापट्टी का आइटम था, डोसा चिकन और चटनी। बियर्ड नहीं, टेस्टी है। उन्होंने पैसा वसूल है, लेकिन उन्होंने क्या डाल रखा है पता नहीं, हरा मतलब ग्रीन सब्जी सी कुछ है, लेकिन टेस्टी हो रहा है। स्पाइसेस जो है एक नंबर, चटनी मिला के जरूर खाना। अब अगला आइटम टेस्ट करते हैं, लच्छा पराठा के साथ चिकन कोरमा, है ना, बढ़िया हो रहा है। तो चिकन कोरमा और लच्छा पराठा ये भी एक नंबर हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घी में बनाया होगा। और ये यूपी का आइटम है, एक केरल का आइटम, एक यूपी का आइटम, और उसके बाद बिरयानी है तेलंगाना हैदराबाद की, दम बिरयानी। आप टेस्ट करते हैं बिरयानी इसके साथ, बिरयानी के साथ यहाँ पर कोरमा। बिरयानी का तो जवाब नहीं, अलग से खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही थी। अब लास्ट आइटम बचा है फिश फ्राई, पूरी एक बार में डालो साबुत पूरी। हाँ दिल चाहता है मूवी देखी ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिश ट्राई करते हैं, तो फिश महाराष्ट्र की, ये भी एक नंबर हो रहा है। बस हल्का सा थोड़े से मसाले जो है वो जलादी से लग रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ टेस्ट बहुत प्यारा हो रहा है। तो चलो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं, कुछ और आइटम लेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो फाइनली खाना हो गया है और बहुत टेस्टी खाना था। कैसा लगा सब आगे भाई आपको खाना? ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ठीक था खाना? अच्छा था, 50-50 ओके। हाँ मतलब कुछ आइटम अच्छे थे, कुछ आइटम नहीं बढ़िया थे, कुछ आइटम जितने प्राइस में। बेसिकली क्या कि यहाँ पे अकेले आओगे तो सारे काउंटर्स का मजा नहीं ले पाओगे। हाँ दोस्तों को लेकर आओ, भीड़ लेकर आओ, भीड़ लेके आओगे तो एक 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 आइटम मतलब 6 लोग हैं 7 लोग, आइडिया हो जाएगा कहाँ क्या चीज़ कैसा कैसा क्या मिल रहा है। लेकिन बिरयानी अल्टीमेट, ये देखो इंडिया गेट भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है। सेल 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 सेल, एक हेलमेट 50 रुपए का, 50 रुपए का, 50 रुपए का, आ जाओ। बोली लग रही है, आ जाओ। कौन सा पहले कौन सा जाएगा? AGV जाएगा पहले। 2000 रुपए, 2000 रुपए ले जाओ, 2 निकाल के दो, नहीं तो खोलना पड़ेगा। नंबर यार है। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पर, टाइम हो गया है 11:30। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सैड और बैड न्यूज दोनों आपको मिलने वाली है, जो भी पहले होगा बता दिया जाएगा। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज जयरज कुमार, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।